मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट HTML, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. नाउ व्हाट इज दिस लैंग्वेज, व्हाई इट इज यूज्ड एंड Why we should study this language? Now, इस language में क्या क्या होता है, किस लिए use होती है, इसके बारे में बात करते हैं. तो इस HTML language को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम internet पे जब भी work करते हैं, whenever we work on internet, internet पे हम जब भी work करते हैं तो हम use करते हैं different websites को. We use various websites. Now websites are what? वेबसाइट में क्या होता है? अगर आप देखें पर्टिकुलर वेबसाइट को हम खोलते हैं, लाइक google.com, यहाँ पे लिंक आता है एक्सेट्रा, एंड वेन एवर क्लिक ऑन एनी अदर लिंक इट टेक्स अस टू सम अदर पेज. वो हमें किसी और पेज पे ले जाता है. इट मीन इन वेबसाइट वी हैव वेरियस वेब पेजेस. वेबसाइट में हमारे पास बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं. इन वेबसाइट वी हैव वेब पेजेस. In website we have various web pages. The web pages are made by using HTML. Now this is the main use of HTML, that जो आप web page use करते हैं वो web page हम HTML के through बनाते हैं. Now HTML is a language जिसके through हम web page बनाते हैं, और different web pages का collection होता है उन्हें कहते हैं website, और बहुत सारी websites से आपका इंटरनेट वर्क करता है. ओके, तो इट मींस ये बहुत ही फंडामेंटल पार्ट बन जाता है इंटरनेट का. HTML टू वेब पेज, वेब पेज टू वेबसाइट, एंड वेबसाइट टू इंटरनेट. दैट्स व्हाई इट इज रिक्वायर्ड फॉर अस टू लर्न अबाउट HTML, ताकि अगर हम चाहते हैं खुद का वेब पेज डिजाइन करना, वी कैन डिजाइन दैट. आगे बात करते हैं. शुरू में हमने HTML की डेफिनेशन देखी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. दैट डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट, एवरीवन शुड नो द फुल फॉर्म ऑफ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. जब आप इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, देन ऑल्सो यू कैन राइट अबाउट दिस, दैट HTML इज अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. होता क्या है इसमें, एक एक करके जरा फ्रैक्चर करके बात करते हैं. नाउ हाइपरटेक्स्ट, हाइपरटेक्स्ट का मतलब है हाइलाइटेड टेक्स्ट. हाइलाइटेड टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? सपोज आई एम टेकिंग हियर अ कैरेक्टर ए. हमने क्या किया, इसमें अंडरलाइन कर दी, इसको हमने बोल्ड कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये हाईलाइट हो गया. ओके, गॉट इट? तो दैट इज ऐसे वर्ड जो हाईलाइटेड होते हैं, उन वर्ड से क्या करते हैं, मार्कअप. मार्कअप मींस यहां पे वो कनेक्टेड होंगे किसी दूसरे पेज से, कनेक्टेड टू पेज थ्रू हाइपरलिंक, यानी हाइपरलिंक के थ्रू वो कनेक्टेड होंगे. यानी अगर आप इस ए पे माउस का कर्सर ले जाएंगे, द माउस कर्सर विल चेंज फ्रॉम दिस शेप टू दिस हैंड लाइक शेप, कि आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं. एंड एज सून एज यू क्लिक ऑन दिस, इट विल गो टू सम अदर वेब पेज. ओके, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, यानी ऐसा हाइपर टेक्स्ट जो कि किसी दूसरे पेज से लिंक है, ऐसी बनाने वाली लैंग्वेज को हम कहते हैं लैंग्वेज. लैंग्वेज इज वॉट? लैंग्वेज इज अ मीडियम. Language is a medium of communication. Language is a medium of communication. In this case, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज मीन वो लैंग्वेज जिसके थ्रू हम बात कर सकते, किससे बात कर सकते, कंप्यूटर से, कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ शो करनी है, किसे हाइपरलिंक बनाना है, किसे नहीं बनाना है. ये हाइपरलिंक को एक और एग्जाम्पल समझते हैं. सपोज आप किसी वेब पेज पर हैं और वहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट, और नेक्स्ट नीचे अंडरलाइन है, ब्लू कलर से है, तो आप जब इसके और ले जाते हैं अपना माउस का पॉइंटर, इट चेंजेस टू हैंडशेप. इट मीन ये क्लिक होगा, क्लिक करते ही आपको दूसरा पेज मिल जाएगा. तो दैट इज व्हाट, ये आपका हाइपरलिंक, यानी ऐसी लैंग्वेज जिसमें हाइपर टेक्स्ट के थ्रू ये सारा वर्क होता है, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML इज अ वेरी इजी लैंग्वेज. इजी इन द सेंस कि आप इसको बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं, इसमें मास्टर हो सकते हैं, और इसे इस पर बहुत सारा वर्क कर सकते हैं. कैसे करेंगे ये सब, इस बारे में बात करते हैं.
Okay. Now few points about HTML, that is Hypertext Markup Language. First thing, this language is not case sensitive. This language is not case sensitive. ये case sensitive नहीं है. Case sensitive होने का मतलब क्या होता है? Case sensitive होने का मतलब होता है कि अगर आपने capital A लिखा या small a लिखा, okay? Then तो ये उसको एक ही समझता है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, कैपिटल हो या स्मॉल, इसमें वो उसे सिर्फ ए समझेगा. ठीक है, तो आपको यहाँ भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कैपिटल यूज़ करना है या स्मॉल. सम अदर लैंग्वेजेस आर देयर, कई और लैंग्वेज है जिसमें कैपिटल स्मॉल को अलग अलग ट्रीट किया जाता है, उनका अलग फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे सेम रहेगा. इसका यूज़ क्या होगा? इसका यूज है अगर हम लिखते हैं कैपिटल में लिखते हैं HTML या स्मॉल में लिखते हैं HTML, दैट विल वर्क सेम, ये सेम ही वर्क करेगा. सेकेंड, फ्री फॉर्म लैंग्वेज. फ्री फॉर्म लैंग्वेज मीन्स कि आपने इसमें जो कोड सही लिखा है उसका आउटपुट आएगा और जो कोड सही नहीं लिखा है उसका आउटपुट नहीं आएगा. लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा कि अगर आपके कोड में एक लाइन भी गलत है तो कोड ही वर्क ना करे, ऐसा नहीं होता है. जो सही है उसका आउटपुट आएगा, जो सही नहीं है उसका आउटपुट नहीं आएगा. ओके, तो दिस गिव्स यू एन एज कि आपका ऐसा नहीं होता कि एक बार में पूरा कोड वर्क नहीं करेगा, सम पार्ट विल वर्क दैट इज करेक्ट. जो कोड हमारा सही है वो वर्क करेगा ही करेगा. ओके, नेक्स्ट थर्ड, इट रन्स ऑन ब्राउजर. रन्स ऑन ब्राउजर. अब ब्राउजर क्या होता है? आई थिंक यू ऑल नो, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है ब्राउजर क्या होता है. ब्राउजर इज एन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. ब्राउजर इज एन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिसमें आप क्या करते हैं, इन विच वी कैन ओपन वेरियस वेबसाइट. वेबसाइट ओपन करते हैं यानी कि वो डिफरेंट वेब पेजेस को आपको शो कर सकता है कि वेब पेज में क्या शो होना है क्या नहीं शो होना है, ये सारा ब्राउजर डिसाइड कर लेता है. ब्राउजर के अगर हम एग्जांपल देखें आपको समझ में आ जाएगा. एग्जांपल इज क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर. ओके, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्राउजर्स. ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि HTML इजी टू यूज इजी टू लर्न लैंग्वेज. अब आगे बात करेंगे HTML के पार्ट्स और उसके कंपोनेंट्स के बारे में. एक्चुअली HTML इज अ टैग बेस्ड लैंग्वेज. HTML इज अ टैग बेस्ड लैंग्वेज. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट इज अ टैग, लेट मी शो यू. देखते हैं टैग क्या होता है. जब हम बात करते हैं टैग के बारे में, टैग्स आर enclosed विद इन एंगल ब्रैकेट, यानी ये आपको स्मॉल देन सिंबल दिख रहा है कैपिटल, इसके बीच में हम जो भी लिखते हैं वही होता है हमारा टैग. दैट इज अ टैग बेस्ड लैंग्वेज. ओके, ये हमारा होता है टैग. टैग दो टाइप के होते हैं. टैग्स को कभी कभी हम एलिमेंट भी बोल देते हैं, या किसी लैंग्वेज बुक्स में एलिमेंट भी दिया होता है. ओके, टैग्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज कंटेनर एंड नेक्स्ट इज एम्प्टी. कंटेनर एंड एम्प्टी टैग्स, इनके एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल्स हैं, कंटेनर टैग की डेफिनेशन पहले बताते हैं. डेफिनेशन इज वो टैग जिसमें स्टार्टिंग होता है. नाउ दिस इज स्टार्ट एंड दिस इज एंड. एंड करने से पहले यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा होता है. दैट इज, यानी यहाँ पे आपने कोई टैग लगाया और यहाँ टैग के आगे अगर आपने स्लैश लगा दिया, इट मीन्स दैट इज एन क्लोजिंग टैग. ये आपका ओपनिंग टैग हो जाएगा and this is closing tag. Opening and closing, whatever lies inside it, इन दोनों के बीच में जो होता है वही particular चीज पे इस tags का effect पड़ता है. तो this is your opening tag, closing tag and they are called container. ये कौन से container की तरह work करेंगी, starting है और ending है. Next you move on to empty tag. Empty tag में आपका सिर्फ opening tag होगा, closing tag नहीं होगा. इट मीन्स उनका जो इफेक्ट है वो उसी पर्टिकुलर लाइन पे आएगा और बार बार इफेक्ट नहीं आएगा. जितनी बार आप लगा देंगे सिर्फ उतनी बार इफेक्ट आएगा. ओके, तो ये दोनों हो गए कंटेनर एंड एम्प्टी टैग. अब बात करते हैं एक बेसिक HTML प्रोग्राम की या स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML प्रोग्राम के बारे में. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट. Now what is the basic structure?
व्हेन वी यूज एचटीएमएल कोड, तो स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो वी स्टार्टेड विद एचटीएमएल, स्टार्टिंग हमने की एचटीएमएल, एचटीएमएल स्टार्ट किया और फिर यहां पे एचटीएमएल क्लोज कर दिया, एचटीएमएल टैग, बिकॉज दैट इज एन कंटेनर टैग, तो कंटेनर टैग में स्टार्ट हुआ एंड हुआ, नाउ यहां से स्टार्ट होके यहां पे एंड हो गया, दैट इज एचटीएमएल टैग। एचटीएमएल टैग के अंदर एज हमारे साथ होता है बॉडी एंड देन सॉरी हेड एंड बॉडी, इन द सेम सेंस वी हैव हेड एंड बॉडी पार्ट हियर। नाउ फर्स्ट वी हैव हेड एंड हेड क्लोज्ड एंड देन बॉडी एंड बॉडी क्लोज्ड, लाइक फर्स्ट वी विल हैव हेड एंड देन द बॉडी, बोथ आर कंटेनर एलिमेंट, यानी कंटेनर एलिमेंट। नाउ वट एवर थिंग यू वॉन्ट टू शो, जो भी चीज़ हम शो करना चाहते हैं पेज पे विल बी रिटन हियर। सपोज हम लिखते हैं दिस इज माई फर्स्ट पेज, दिस इज माई फर्स्ट पेज, हमने लिखा दिस इज माई फर्स्ट पेज, तो आप जब इसे रन करेंगे HTML सॉरी ब्राउजर में, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हमको पता लग गया कि जब भी हम HTML कोड बनाते हैं वो रन हमेशा करता है एक ब्राउजर में। सपोज हम इसको किसी ब्राउजर में रन करते हैं तो इट विल लुक लाइक दिस, इट विल लुक लाइक दिस, वट एवर थिंग यू हैव गिवन वो यहाँ पे आपका शो होगा, दिस इज माई फर्स्ट पेज। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे आपको कुछ भी बैकग्राउंड कलर या कोई इमेज कुछ नहीं शो हो रहा है, वाई, बिकॉज वो हमने यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे हम जैसा कलर बैकग्राउंड वट एवर वी मैंशन हेयर विल बी रिफ्लेक्टेड इन अवर ब्राउजर, ये आपके ब्राउजर में आएगा। ओके अब एक और चीज कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके इस पेज पे यहाँ कोई टाइटल आए, ये नॉर्मली जगह ब्लैंक है अभी, ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहते हैं आपका कोई टाइटल आए, तो फॉर दैट हम क्या कर सकते हैं, हेड में ही यहाँ पे टाइटल डाल सकते हैं और टाइटल में आपने अपना नाम डाल दिया, सपोज डाल दिया आपने अमित एंड इसे बंद कर दिया, ठीक, देन द टाइटल विल बी अपियरिंग हेयर, टाइटल विल बी अपियरिंग देयर ओनली। ध्यान दें HTML में जो टाइटल है वो हम देते हैं हेड टैग के अंदर, हेड ओपनिंग एंड क्लोजिंग इसके अंदर हमने टाइटल स्टार्ट एंड टाइटल क्लोज दिया है, दैट इज टाइटल ऑफ द पेज, पेज का टाइटल क्या है। वट एवर अदर एलिमेंट्स आर देयर, जो भी एलिमेंट आएंगे वो हम बॉडी एलिमेंट में यहाँ देंगे, फ्रॉम हेयर वी विल मैंशन द डिफरेंट एलिमेंट्स जिसके साथ हम वर्क कराना चाहते हैं। तो ये आपका हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट थ्रू विच वी कैन मेक वेरियस वेब पेजेस, वेब पेज से वेबसाइट। ओके नाउ वी विल डिस्कस फ्यू अदर पार्ट्स ऑफ HTML। एज वी डिस्कस अर्लियर इसमें कंटेनर टैग है एंड एम्प्टी टैग है, तो एक एक करके उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब सी फर्स्ट वी हैव कंटेनर, कंटेनर टैग एज आई टोल्ड यू ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब कंटेनर टैग्स के एग्जांपल्स देखते हैं, कंटेनर टैग के एग्जांपल्स, द फर्स्ट एग्जांपल इज HTML itself, and I told you HTML चाहे कैपिटल में लिखें चाहे स्मॉल में वो आपका HTML टैग की तरह वर्क करेगा। अब बात करते हैं आगे HTML में, HTML स्टार्ट कर देंगे एंड देन वी विल क्लोज HTML। ओके जो भी इसके बीच में लेंगे दैट विल बी आवर वर्क, तो ये आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो गया HTML में। ऐसे सेकेंड होता है आपका बॉडी, नाउ बॉडी टैग वर्क सेम, पहले आपने दिया बॉडी टैग और फिर हमने बॉडी टैग को बंद कर दिया। ओके HTML टैग बॉडी टैग एंड देन वी हैव सम अदर टैग, लाइक अभी आपने देखा वी यूज हेड टैग हेयर, हेड टैग फॉर हेडिंग लाइक हेड एंड यहाँ पे हेड को बंद कर दिया। नेक्स्ट फोर्थ वी हैव टाइटल, टाइटल टैग कैसे लिखते हैं, TITLE, अपर केस लोअर केस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एज आई टोल्ड यू दिस इज अ फ्री फॉर्म लैंग्वेज, यहाँ पे अपर केस लोअर केस से फर्क नहीं पड़ता है। आपने टाइटल लिया
विल क्लोज टाइटल हेयर। ओके, तो ये आपके कंटेंट टैग हुए, HTML, बॉडी, टाइटल एक्सेट्रा, दीज आर योर कंटेनर एलिमेंट। ओके, आफ्टर कंटेनर एलिमेंट वी विल मूव ऑन टू एम्प्टी एलिमेंट। नाउ व्हाट आर द एम्प्टी एलिमेंट्स? एम्प्टी एलिमेंट्स आर लेस इन नंबर्स, एम्प्टी एलिमेंट्स कम होते हैं HTML में बिकॉज इनका यूज कम होता है। द फर्स्ट इज BR टैग। नाउ व्हाट इज BR टैग? यानी हम कुछ भी लिखते हैं उसमें हम यूज करते हैं अगर BR, वी आर यूजिंग अ BR टैग। BR टैग का नॉर्मल मीनिंग आप लेंगे दैट इज ब्रेक। BR टैग मीन्स ब्रेक। ब्रेक मीन्स इफ यू वॉन्ट कि आपके कोई भी लाइन लिखी हुई है लाइक दिस इज इंडिया, और आप यहां पे फिर लिख देते हैं BR, आप फिर लिख देते हैं द कैपिटल इज न्यू दिल्ली, देन जब वेब पेज इसका रन होगा देन तो क्या होगा, इट विल अपियर लाइक दिस इज इंडिया एंड फ्रॉम हेयर अ न्यू लाइन विल बी देयर। एक नई लाइन आएगी, उसी लाइन में प्रिंट नहीं करेगा, द कैपिटल इज न्यू दिल्ली, इट विल अपियर लाइक दिस। तो क्या हुआ BR टैग का यूज? BR टैग की यूज की हेल्प से हमने इस सिंगल लाइन को ब्रेक कर दिया दो पार्ट में और ये नेक्स्ट लाइन से अपियर होगा। नाउ दिस इज द यूज ऑफ BR टैग। नाउ सेकंड वी टेक आफ्टर BR वी हैव HR। HR इज हॉरिजॉन्टल रूल। HR टैग इज हॉरिजॉन्टल रूट, दैट इज HR। इससे क्या होता है, जब भी हम पेज में HR यूज करते हैं देन इट गिव्स ब्राउजर में इट गिव्स अ वर्टिकल लाइन लाइक दिस। एक वर्टिकल लाइन इस तरह से आपको दिखाई देगी, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन एक आपको यहां से यहां तक दिखाई देगी, दैट इज हॉरिजॉन्टल रूल। ओके, तो वी डिस्कस HR टैग, BR टैग एंड डिफरेंट कंटेनर्स। नाउ टाइम फॉर सम होमवर्क फॉर यू। Now, all of you have to write container tag and empty tag like this, and you have to write difference between container tag and empty tag. Container tag or empty tag mein difference aap apne notebooks mein likhenge. Okay? Try to write it honestly. Apne aap likhne ki koshish karenge. At least 3 difference should be there. कम से कम 3 डिफरेंस आप लिखेंगे। लार्ज डिफरेंस में यू कैन इंक्लूड एग्जांपल्स इन बोथ दीज डिफरेंसेस फर्स्ट एंड सेकंड। यू कैन टेक हेल्प ऑफ डेफिनेशन हेल्प लेके आप यहां पे लिख सकते हैं। ओके, एंड इफ यू फील यू कैन ऐड मोर एग्जांपल एंड यू कैन रिवाइज दिस वीडियो और यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर बुक से हेल्प ले सकते हैं। ओके, आप बुक की हेल्प लेंगे और ये कंप्लीट करेंगे। ओके, इन नेक्स्ट टर्न वी विल डिस्कस मोर थिंग्स अबाउट इट, HTML में और कौन से नए नए टैग्स होते हैं और क्या क्या इफेक्ट्स लाए जा सकते हैं, कैसे इफेक्ट दिखेगा, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके क्लास, थैंक यू।